दिन की जी फर्स्ट लिफ्ट अपन मिल गई बाइक पर यार गला खराब हो गया यार। धन्यवाद लो जी जिहड़ा है अंकल जी अपन बाइक पर जिहड़ा है सालासर धाम तक जिहड़ा है छड़ गए, मतलब इदू अगे जिहड़ा रोड है सालासर धाम जाता है। ये तुसीं देख सकते हो ये आ गया गेट। सालासर धाम विकास समिति श्री हनुमान द्वार इतों जोड़ा है जरा सालासर जाता है, ये रास्ता जोड़ा है सालासर जाता है। अंकल जी अपन इतने छड़ गए तो इतों अगे आप देखते हैं अपन कोई व्हीकल मिलता है या फिर आप कितों तक तुर के जाने आगे गाँव तक चढ़ते हैं पीछे क्या आगे बैठे पीछे चढ़ जाते हैं। लो जी अज के दिन की जी सैकेंड मिल गई अपन लिफ्ट पिछे जो होके बह जाने सही है। सही है चलो यार इन्हों की ट्राली भी देखो कि है इन्नी उची है बस। चैकिंग तो तुम बहुत देखी होनी है ट्रैक्टर वाले गाने देखे हो पंजाब का रंग दिखाई दिता वीडियो दे ये भाई कहता कहते मैं अगले पिंड तक जाऊँगा 2-3 किलोमीटर दूर पिंड उदू बाद परगाह देने कि जाइए उदू गां किसी होर हाथ मार ला के पकर पाते हैं। ट्रैक्टर वाला बई अपन उतार गया सी जी लूच पिंड दे विच ते तुहानू इक घैंट चीज़ दिखाउणे आ मोर किदां देख रहे आ इह पिंड दे विच सारे नूं ज़्यादा मोर ने ते इत्थों गां जिन्ने भी पिंड आउणगे हैं हाँ इदू बाद जिन्ने भी पिंड आउणगे हरेक पिंड दे विच मोर ही मोर है ते बहुत घैंट है। लो जी अपना ट्रक वाले ने पुराना ही लिया है एक ट्रक ने होर ले खड़ा लिया चल 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 चढ़ बोलो भाई जी तुर तो लैके तुर ताई नहीं मिल गई अपन भाई अपन साला सारी लेके जाओगा चल देने बाकी एम भी नहीं पता आते हुए दिखा दिए मोर ठीक है जी बारी डाल दे चल आया। लो जी आप आ चुके हैं बाला जी धाम जी की एंट्री पर सालासर दी तो जाता पिछे ट्रक वाला जो अपन लैके आया सीगा। लो भी दोस्तों 8:20 हो चुके हैं तो 2 घंटे लगे अपन 40 किलोमीटर आने हूँ आप चले हैं कितने स्नान कर कोई देने धर्मशाला वगैरह च तो फिर सूँ उस बाद लैके चलेंगे मेन दरबार जिथे आप अंदर दर्शन करावे बाला जी के। लो भाई नहा धो के तैयार हो के वैसे कोई फायदा है नहीं गर्मी बाली असी कड़ा कोई कार कूर से आना तो तुरके वाले बंदे हैं तो उ हाल फिर हो जाना पर
नहा धो के तैयार होके आए हैं तो इतों बाद सूँ लैके जाने अंबरसर वो अंबरसर आखिए ने भाई हूँ अंबरसर जाना पैना मूँह चो निकल गया हूँ अगे आप अंबरसर भी चलेंगे ठीक है तो अं चैकिंग करके चलेंगे चैनल सबसक्राइब कर लो तो हूँ आप चले हाँ सालासर बाला जी के मेन दरबार के ना गेट कि थोड़ी है पार्किंग को ले है। मैं देखे, मैं। ते प्रशाद फिर इतों कटानी पैंती है जी परची 100 का कहें साढ़े 600 ग्राम उधरों परची कटा के इतो जुर्मा मिलता है जोड़ा भी आप प्रसाद ऑर्डर किया हों इतों मिलता है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा अज भीड़ इन्नी है नहीं गी ता करके आप सीधे तुरी आने नहीं तो इतने खड़न का नहीं होंगे कहते इतने इतने कैमरे चला सकते जो आप मेन उत्थे जावे अंदर उत्थे कैमरा अलाउड नहीं गा उत्थे आप कैमरा बंद करा तो सू बाद दिखावे बाहर निकल के ये दूसरी गेट तुम इतों दर्शन कर लो सारे होंगी है मेन दरबार आप इधरों आ चुके जी इतों का मुख्य द्वार सालासर धाम का चलिए उधर ले पास चलिए बिच चलिए मथा टेक के वो तो टेक ही होने चंद्रा चिड़िया बहुत रहिंदियां आ देखा निक्के निक्के चिड़िया रहिंदियां इत्थे हाँ अज चिड़िया घट ने इत्थे गर्मी करके हो गई होनी है ना। चलिए फिर लो जी आप मत्था टेक के आ गए बाहर तो
गर्मी बहुत है। अगे तो साडा जयपुर का प्लैन सीगा ते बाकी मैं लगता नहीं हुण बनूगा क्योंकि गर्मी तुसी आप ही देख रहे हो नजायज है। तो हुण साडा प्लैन बन रहा लेह लद्दाख का, अज घरे जाके कल नूं आपां जाणा लेह लद्दाख, उत्थों दे ब्लॉग होणगे क्योंकि उत्थे सानूं टाइम लगना है घट्टो घट 15 दिन, ते 15 दिन दे ब्लॉग तक हमें ड्रॉप करेंगे। उसके बाद देखते हैं कब तक कहाँ तक पहुँचते हैं। आज के दिन का जो पूरा सफर होगा वो आपको रात को जो हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलो यार, इससे ना थोड़ा हौसला मिलता है। हनुमान जी की माता का क्या नाम था भाई? अंजनी माता। तो वहाँ पे ले जा रहे हैं हमें वापिस कर लिया उन्होंने। अभी तो ऐसी मिलती हैं, अभी 3-4 जगह बनाती है। हाँ बठिंडा में भी ऐसे। हाँ पहले स्टार्टिंग में यही बनी, यही बनी थी। ओके चलो है ना। अच्छा तो भाई मैं भी आया हूँ, फोन भुल गए जेड़ा तुसी वीडियो दे विच हुणी टैंक देखा सीगा पिछे खड़ा सी जेड़ा, इतिहास की है ये भाई अपन ये जो सारा हम गांव में चल रहे हैं ये जुलियासर गांव का है। अच्छा जी। और जुलियासर गांव से हमारे बाबूसाही लगते हैं अजीत सिंह जी शेखावत साहब जो आर्मी के अंदर ब्रिगेडियर थे, सरकार की टाइम पे उनकी ड्यूटी पाकिस्तान बॉर्डर पे लगी हुई थी। अब जिस यूनिट में वो थे ना थे वो एक ही जिंदा आए थे, हमने ऐसा ही सुना है। जिंदा भी आए थे उसके साथ में जो पाकिस्तान की जो सेना की यूनिट उनके साथ युद्ध कर रही थी उसको भी उन्होंने खत्म करवा दिया था, खत्म कर दिया था, सबने मिल गया। हरा के आए। हाँ हरा के आए थे। उस टाइम पाकिस्तान का तो ये टैंक था, वो पाकिस्तान का है। अच्छा ते जेड़े आह अपने नवे दोस्त विकास पारिक सी ते इन्होंने सानू जान नहीं दिता, कहिंदे असीं जे भी जे कोई भी आउंदा भी अपने रिश्तेदार भी आउंदे भी उन्हां नूं भुखा थोड़ी तोरदे आ। ते भाई स्पैशल सानू इत्थे भी इन्हां दे आह शॉप सीगी इत्थे लै के आए ने ते ठंडा ठंडा पिया इन्होंने। ते आप विकास नाल चलो हुण मुलाकात हो गई बैठ गई है ना, चलो आप होर गल्लां करदे आ। कोई कोई थोड़े गाँव की जिवें हुण ब्रिगेडियर साहब की कोई स्टोरी सीगी, किसी होर बंदे की कोई स्टोरी होगी आर्मी का तो आपको बता ही दिया। हाँ, हमारे गांव में बहुत इंटरेस्टेड है। हाँ, उसके बाद में जो हनुमान जी का मंदिर है सालासर वाले। हाँ, हाँ, उनके अंदर जो मंदिर के ऊपर का मेन जो छोटा हिस्सा बना हुआ ना स्टार्टिंग में जहाँ मंदिर बना हुआ है। अच्छा, वो भी हमारे गांव के ठाकुर साहब के द्वारा बनवाया हुआ है। अच्छा, ये जो सामने जमीने दिख रही है उनकी है। अच्छा, अभी वो तो उनका तो स्वर्गवास हो गया, उनके लड़के हो गए। आज गाँव वाले सालासर मंदिर में जाते हमें वही इज्जत मिलती है जो ठाकुर साहब ने हमें दिलवाई थी। अच्छा हाँ, तो मतलब भी आपके गांव वालों की पूरी वो वहाँ पे वो है। हाँ बिल्कुल, देखो हम भी है ना एक मंदिर में जाते हैं आस्था के स्वरूप में जाते हैं। देखो कोई भी हम देखते हैं मंदिर में जाते हैं लाइन का बोल देते हैं, कोई भड़क जाते हैं इनको सीधा दर्शन करवा रहे हैं, हमें जाना है हम आस्था से जाते हैं। चाहे महीने में एक बार भी जाएंगे तो आराम से जाएंगे ना, वहाँ जाके कोई भी वैसा नहीं है कि हम तो जुलिया सके हम तो सीधे घुसेंगे यार क्यों घुसेंगे, हमें आस्था से जाना है। हमें हनुमान हमारा अटैचमेंट भगवान से ना कि पुजारी से। पुजारी तो बेचारा एक कार्य करता है वो भी ठीक है, वो तो व्यवस्था तो बनाएगा ही, उसके विरोध में हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे क्या मतलब है। जब आप हनुमान जी से मिलने नहीं जा रहे हैं वहाँ, आप तो अपनी धौंस जमाने जा रहे हैं। ये हमारे गांव का सबसे बड़ा नियम है, हम मंदिर में जाके कभी हमारे गांव का दूसरे लोग ही फायदा उठाते हैं, भैया हम जुलिया सर के हैं हम सीधे हम कभी नहीं जाते हैं, हमें जाना है जुलिया सर। हाँ जुलिया सर ये सीकर जिले का अंतिम गाँव है। सीकर डिस्ट्रिक्ट है ना उसका अंतिम गांव है। जो इसके बाद में जो अंजनी माता मंदिर था ना उससे थोड़ा दूर निकलेंगे स्कूल आएगा गवर्नमेंट स्कूल, उसके बाद में चूरू की सीमा लग जाएगी, सालासर आता है चूरू में। अच्छा, अंजनी माता मंदिर के इधर सारा सीकर अंजनी माता जो सीकर में। हाँ, वो जो ब्रिगेडियर साहब से वो है अभी। हाँ बिल्कुल, वो अभी जयपुर में उनका निवास स्थान जयपुर है।
नहीं अब यहीं पे गांव में नहीं, उनके पिताजी मिलेंगे यहाँ पे, उनके भाई मिलेंगे, उनके भाई है वो भी ये नेवी के अंदर, नेवी में है। अच्छा। उनके ब्रिगेडियर साहब का लड़का है वो, शायद मेरे हिसाब से वो भी आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल वर्नल कुछ है ऐसा है। नहीं वो खुद यहाँ पे नहीं है, नहीं वो जयपुर रहते हैं, वो कभी कभार ही आते हैं। चलो ठीक है भाई, ठीक है राजा, थैंक यू। ठीक है जी, ओके बाय बाय। अपना काम हो रहा आधी रात याद करी जी। हाँ जी है, टोल ले लिया तुमने भाई का, बुलाया लगे है चलो मोटरसाइकिल वाला बंदा मिले बंदे ने किन्नी सेवा की थी ना, ते बाद जो कार वाले मिले उन्होंने भी आई सानू मिले पिछो के लक्ष्मणगढ़ बाई ने सानू चढ़ाया बाइक के ते इतों के बंदे यार बहुत नाइस है सीरियसली। तो आ बाई ने सानू हम इतने ढाबे से खड़ाया बाई के उन्होंने कुछ खाने खा के ही जाना जिमें पिछले आप उन्होंने सानू आख्या है ना, उन्होंने कहा भी अतिथि जिमें अपने घर कोई रिश्तेदार आ जाते हैं है ना, अपने घर कोई रिश्तेदार आ जाते भी आप खाए खवाए बिना उन्होंने नहीं जान देंगे, वो गल बाई जी होने की है। ये बाई भी कहते खाए बिना नहीं कहते जाना, कहते बस कहते खा के जाना। तो इंट्रोडक्शन दो बाई जी, नाम क्या लगता है? सर मेरा नाम महेश है, मैं लोकल सीकर से हूँ और एसआर ग्रुप में जॉब करता हूँ। तो भाई ने सामने फतेहपुर भाई इतनी जाऊगा 5 मिनट मेरे, तो भाई कहना तुम सीकर चल रहे हो बहुत बढ़िया भी मिनट हो गए जी सानू तुरे आंदे नू फतेहपुर। तो टाइम इस टाइम हैगा कितना टाइम हो गया 2:30 बज गए जमा सिखर दुपहर है, तो 37-38 डिग्री तापमान होया पे है, बुरे हाल हो गए, कोई साधन इधर खड़ा नहीं, जेड़ा खड़ा वह सिरा बंदा होंगे मतलब उसनू तो देख ही लिया। तो हवा तो चल पी की बेचारा गर्मी दे गर्मी बहुत है, लिफ्ट वधिया मिल जाते है ना 1.5 घंटा हो गया भाई सानू आई तुरे तुरद कोई नहीं खड़ा होता इधर मिला है ना। देखो लो जी भाई साहब, थैंक यू भाई जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई ने हमें रतनगढ़ है ना भाई जी, रतनगढ़ तक लिफ्ट दे दिए, हम रतनगढ़ पहुंच गए भाई, सानू उतो कड लाया भाई जिथे किसी ने नहीं था रोके, किसी ने नहीं रोका, 1.5 घंटा तुरक के आए अस। थैंक यू भरा यार, ठीक है भाई। ये है जी सरदार, ये है जी सरदार शहर। लो जी यही है सरदार शहर का वो मंदिर जिदे वास्ते आप लै, फिर तू भी आ जाएगा ब्लॉग में। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कहाँ से? गंगापुर से। अच्छा गंगापुर, ये कौन सी स्टेट? सवाई माधोपुर। तो इसकी स्टोरी पता? नहीं पता नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣ ਮਸਾਲਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਜਾਤ ਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਭਗਤ ਮੂਲ ਚੰਦ
ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਡਾ ਘੈਂਟ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਾਬਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਫਟੀ ਫਸਟ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੌਗ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਰਾਤ ਦੇ 10:30 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਬਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਵਾਲੇ ਬਲੌਗ।